नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरा वीडियो जो है आप जरूर देखिएगा। कम समय में बहुत ही ज्यादा अर्जेंट और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को प्रत्येक डीएड अभ्यर्थी तक जरूर भेजेंगे। दोस्तों, ये अंतिम लड़ाई आप लोगों के हक की है और बहुत ज्यादा आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमें अभी केवल स्ट्रगल की आवश्यकता है, क्योंकि हमने इतनी लड़ाई लड़ चुके हैं। थोड़े के लिए हमें पीछे कदम नहीं रखने हैं, हमें आगे बढ़ना है। डीएड टीम जो निर्देश दी है उसका आपको पालन करना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं, सबसे पहली चीज हमें जो इंटरव्यू बनना है। सभी कैंडिडेट ध्यान सुनो, आप लोगों ने सहयोग दिया जिसके लिए बहुत बहुत आभार मध्य प्रदेश डीएड टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, कि आपने बहुत सहयोग किया और इस मुकाम तक केस को लेकर गए। इतनी बार आपने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट के लिए आपने फंडिंग की, आप सब लोगों का दिल से आभार दोस्तों। लेकिन अब बात है जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग जो फंड कर नहीं रहे हैं और हमें बड़े से बड़े सीनियर एडवोकेट की जरूरत है, जैसे कपिल सिब्बल सर के बारे में आपने सुना है, हम उन्हें चाहिए। 1 अप्रैल 2024 को महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आपने भी लास्ट टाइम जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा है, उसमें जो है सुधांशु जो सर हैं, जज महोदय सुधांशु ढुलिया जी, जिन्होंने दोस्तों आपने देखा कि क्या बीएड वालों को डीएड के बराबर योग बनाने के लिए क्या ब्रिज कोर्स है, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कितनी इतनी वैकेंसी है, है ना, इस तरीके से बहुत जो दो तीन चीजें हैं इन पर काफी माइनर चीजें उन्होंने कहा है। लेकिन इससे कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हमारा केस न्यूट्रल है, किसी के अपने लोग हारे नहीं है। जो बीएड वाले कह रहे हैं ना कि डीएड वाले जो हार गए, हमारी जॉब सुरक्षित है, सब कुछ भी नहीं दोस्तों। और बीएड वालों को भी बुरा ना लगे, आप लोग अपनी लड़ाई लड़िए, हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो अपनी अपनी मेहनत और अपना अपना अधिकार और हक की बात, इसमें डीएड के हक के अधिकार की बात है, जिसके लिए हम लोग इतना लड़ाई लड़े हैं कानूनी तौर पर। आपस में भाई बहनों से कोई लड़ाई नहीं है बीएड वालों से, सिर्फ कानूनी तौर पे सरकार से लड़ाई चल रही है कि आपने जो है जिस तरीके से नियम कानून बनाए हैं, जो कि बिल्कुल अवैध थे, असंवैधानिक है, जो कि एनसीटी गजट भी रद्द हो चुका है। दोस्तों, बात यह है कि आप सबको इंटरव्यू बनना है, और इंटरव्यू बनने के लिए जो है 5,000 रुपए की सहयोग राशि जो निश्चित की गई है मध्य प्रदेश डीएड टीम के द्वारा। आपने टेलीग्राम चैनल भी जो है आपने मीटिंग में देखा होगा, रॉयल सर जुड़े थे और मध्य प्रदेश की जो डीएड टीम है वो भी जुड़ी थी। इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप पर भी बताया गया, सब लोग इस चीज से वाकई भी, कोई नई चीज है, बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल में नंबर दिए गए हैं, किनको पेमेंट भेजना है, चाहे राम कुमार सर हो, नीलेश सर हो या बिमल सर हो, ठीक है। इसके बाद अपना जो डाटा है कि डीएड की मार्कशीट, बीपीएल कार्ड है ना, जिसके पास है ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड है, आपका वर्ग 3 का रिजल्ट है दोस्तों, तमाम जो डॉक्यूमेंट सिग्नेचर वगैरह क्लियर स्कैन करके फोटो कॉपी करके आपको निर्धारित दिए गए नंबरों पर उन सर लोगों को जो मध्य प्रदेश की टीम के जो सर हैं उन्हें भेजना है। पेमेंट स्क्रीनशॉट अलग से भेजना, पीडीएफ में संलग्न नहीं करेंगे। ये सब देकर के आपको इंटरव्यू बनना है, क्योंकि देखिए अगर सरकार या सुप्रीम कोर्ट बीएड पर सिंपैथी दिखाती है तो जो इंटरव्यू बनेंगे उन पर भी सिंपैथी दिखाना चाहिए, दिखाएगी, क्योंकि इस बात की हमें जो काफी भरोसा और बहुत सारी चीज मिली है। सीनियर एडवोकेट और मध्य प्रदेश डीएड की टीम जो अभी बात कर रही है दिल्ली में, जो है चीजें चल रही हैं, वकील सर से ब्रीफिंग होगी, सारी बातें होंगी, कपिल सिब्बल सर आएंगे, बट आपकी फंडिंग के अकॉर्डिंग आएंगे। अब सवाल है कि अब आपको अगर नौकरी चाहिए तो आपको इंटरव्यू बनना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्यूचर का सवाल है दोस्तों। और आप मजाक में लें तो ना बने इंटरव्यू, कोई समस्या नहीं, क्योंकि अब हर किसी को फोन लगा के फंडिंग के लिए नहीं बोल सकते, ठीक है। लोग फंडिंग नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट को कैसे जो है डीएड टीम जो है उतार पाएगी, कैसे कर पाएगी मैनेज, तो ये सारी समस्याएं हैं। अब इन सबको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए जो इंटरव्यू बनना चाहता है, 5,000 रुपए की सहयोग राशि जो सहयोग राशि निश्चित की गई है, वो आप जो है जो भी सहयोग राशि जिन भी नंबरों जारी की गए उन नंबरों पर आप सहयोग राशि दें और स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, ताकि जल्द से जल्द काम कल 16 मार्च तक लास्ट ही काम करने का, फिर क्योंकि कोर्ट की छुट्टियां पड़ेंगी तो चीजें नहीं हो पाएंगी। 17-18 तक सुप्रीम कोर्ट में आपका डॉक्यूमेंट जो है आईए अप्लाई कर दी जाएगी, इंटरव्यू एप्लीकेशन। और मध्य प्रदेश ने जो केस को लेकर गई है वो मिसलिनियस एप्लीकेशन, जिसे एमए बोलते हैं, कई लोग आईए एमए में कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, ठीक है। वीडियो पूरा देखना, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये जो बात मैंने कही इंटरव्यू बनने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो इंटरव्यू बनेगा हम उसी के लिए लड़ेंगे, मध्य प्रदेश डीएड टीम उसके लिए ही लड़ेगी, जॉब बचाने के लिए, जॉब बचाने मतलब जॉब के लिए।
क्योंकि 11,583 जो नियुक्तियां हुई हैं अवैध हुई हैं, सब्जेक्ट टू आउटकम मामला है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अपने पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स रखे हुए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, बीएड वाले ज्यादा ही कुछ खुश हो रहे हैं, वो उनकी खुशी है, ठीक है, उनका काम वो कर रहे हैं, अपन को उन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है अपनी, ठीक है, सिर्फ हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, हमारी सिर्फ लड़ाई है वो भी मध्यप्रदेश सरकार से, जिन्होंने क्यों सब्जेक्ट टू आउटकम के बाद बीएड को होल्ड क्यों नहीं रखा, क्यों उनको नियुक्ति दी गई, आपने माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन दिए हैं, आप उन्हें बाकायदा जो है जो भी आप करना चाहते हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है, 11,583 पद हमें चाहिए, आप बीएड को आउट करें, डीएड को इन करें, या सिंपैथी दिखा करके आप उन्हें रखना चाहते हैं तो 11,583 पद हमें दें या इंटरव्यू को दें, कुछ भी हो, लड़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, संघर्ष हमारा जारी है और लड़ेंगे, हिम्मत हारने वाले नहीं है, याद रखना इस वीडियो को जो भी देख रहा है, मध्यप्रदेश डीएलएड टीम और मध्यप्रदेश के डीएलएड अभ्यर्थी इतना जल्दी हताश निराश और हार मानने वाले नहीं है, क्योंकि 99% अपने पास लीगल पॉइंट है, कानूनी पॉइंट है दोस्तों, बीएड के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी संवैधानिक नियुक्ति है, पावर ही नहीं उनको पढ़ाने का प्राइमरी, आप खुद समझिए, इसके बावजूद वो लोग लड़ रहे हैं, इतनी फंडिंग कर रही है, तो आप तो डीलर वाले, आपका अधिकार है, आपको तो जॉब मिलने वाली है, जो वो गुमराह कर रहे हैं ना, कई प्रकार के ऑडियो रिलीज कर रहे हैं, वीडियो रिलीज कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप निश्चिंत रहें, चिंतित ना हो, और अभी कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल से उस दिन सुनवाई हुई है, उसमें कोई बीएड को रखेंगे डीएड को नहीं देंगे ऐसा कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी नहीं किया, इतना खुश होने की, जो यूट्यूब में बीएड वाले बड़े बड़े वीडियो बना के ये हो गया वो हो गया खुशी की बात बीएड, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इससे गुमराह किया जा रहा है, असली लड़ाई तो बाकी, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट रिजर्व कर लेगी फैसला, डिसीजन दे देगी, तो उस दिन मान लेना कि हम जीत गए कि हार गए, अभी लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है, सबको इंटरव्यू बनना है, जिसको नौकरी चाहिए वो इंटरव्यू बन सकता है, बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं है, न किसी को फोन लगाया जाएगा न किसी को बताया जाएगा, यह वीडियो को अधिक से अधिक प्रत्येक डीएलएड अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का सब तक पहुंचा दीजिए, बहुत मोस्ट है, इंटरव्यू बनना है, नौकरी बचानी है, क्योंकि अगर सिंपैथी भी दिखाई जाएगी तो इंटरव्यू पर सिंपैथी दिखा जा सकती है, ठीक है, सिंपैथी का मतलब यह है कि आप इंटरव्यू बनकर जाओगे तो बिल्कुल आपको जो है डीएलएड का हक करके आपको जॉब दी जाए, 11,583 जो पद बीएड को दिए जा रहे हैं उसमें से आप लोगों को पद दिए जाएंगे, ये निश्चित बात है, इस वीडियो देख करके बहुत सारे निगेटिव बात करेंगे, बहुत सारे जो है नकारात्मक विचार करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को इस चीज से, आप कुछ भी बोलिए, ठीक है, पर जो सत्य है, जो तथ्य के आधार पर मध्यप्रदेश से डीएलएड टीम लड़ रही है और लड़ते आई है और अंतिम क्षण तक लड़ेगी, अब तो सब कुछ अपने पक्ष में है दोस्तों, कुछ भी ऐसी बात नहीं है, बस आप लोग सहयोग करिए, एकजुट रहिए और इंटरव्यू बन जाइए, क्योंकि अब इंटरव्यू बहुत बड़ी चीज होती है, देखो जब भी याची जो होता है याचिकाकर्ता, ठीक है, अगर पूरा डीएलएड जीतता है तब तो कोई समस्या ही नहीं है, पूरा डीएलएड जीतता है तो कोई समस्या नहीं है, अगर कुछ नेगेटिव होता है तो जो इंटरव्यू बनकर जाएगा उसके लिए पॉजिटिव रहेगा, उसको जॉब मिलेगी, आप ये गारंटी ही लिख कर रख लीजिएगा, बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास, काम जो है आपने देखा है, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अभी पब्लिक प्लेस पे वीडियो जो है मैंने जारी किया हूं तो यहां पे बहुत सारी चीजें नहीं बता सकता, बहुत सारी चीजें जो है आंतरिक होती हैं वो बयान नहीं किया जा सकता, मैं कम शब्दों में कुछ बड़ी बात बोल चुका हूं, आप समझदार हैं, ठीक है, इंटरव्यू बनना क्यों जरूरी है, ये आप लोग सब लोग 5,000 रुपए सहयोग राशि दिए गए दस्तावेज, आप लोग ग्रुप में जुड़े हैं मध्यप्रदेश डीएड वेरीफाइड ग्रुप में टेलीग्राम में, वहां से सारी जानकारी मिल गई है, समस्त नंबर टीम के लोग हैं उनसे बात कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें, अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ लेना, क्योंकि प्रत्येक अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।